अपर्णाज रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इमली की चटपटी खट्टी मीठी चटनी। बहुत ही आसान और यूजफुल रेसिपी है ये, क्योंकि आप इसे किसी भी चाट के साथ या दही वड़ा के साथ, समोसा के साथ खा सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमने कौन सी चीजें ली है। हमने ली है इमली 100 ग्राम, गुड़ 100 ग्राम से थोड़ा ज्यादा, साधारण 120 ग्राम गुड़ है ये, चीनी 2 बड़े चम्मच। अगर आपको थोड़ी ज्यादा मीठी चटनी पसंद है तो गुड़ या चीनी आप आपके हिसाब से थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, भुने हुए जीरे का पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, सौंफ 1/2 छोटा चम्मच, काला नमक 1/2 छोटा चम्मच और सफेद नमक 1/2 छोटा चम्मच या स्वादानुसार। इसे बनाने के लिए हमने इमली को 1 घंटे से गर्म पानी में भिगो के रखा है। 1 घंटा हो गया है तो अब हम इसे हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। तो हमने इसको अच्छे से मसल लिया है। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है और ये छलनी ली है, इसमें हम ये इमली वाला पानी ट्रांसफर कर देंगे। अब चम्मच की सहायता से इमली का पल्प अलग करेंगे ऐसे। आप देख सकते हो कढ़ाई में हमें इमली का स्मूथ पेस्ट मिल रहा है। और ये देखिए, इस बचे वाले पोर्शन को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम को हम लो मीडियम रखेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी और ये गुड़। गुड़ और चीनी अच्छे से घुलने तक हम इसे ऐसे मिक्स करते रहेंगे। तो ये गुड़ और चीनी अच्छे से मिक्स हो गए हैं और ये मिक्सचर उबलने लगा है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये सौंफ, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, सेंधा नमक और ये सफेद नमक। सारे मसाले अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखे इसमें मसाले की गुठली ना रहे। तो ये मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और ये चटनी उबलने लगी है। आप आपको जितनी गाढ़ी चटनी चाहिए उसके हिसाब से इसे 1-2 मिनट उबाल सकते हो। यहाँ पर ये 2-3 मिनट में ही ये देखिए इतनी गाढ़ी हो गई है। ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए गैस का फ्लेम मैं बंद कर रही हूँ। और ये अपनी चटपटी खट्टी मीठी इमली की चटनी रेडी है। आप इसे किसी भी चाट के साथ या समोसा, दही वड़ा इनके साथ भी खा सकते हो। इस चटनी को एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में आप 2-3 वीक स्टोर कर सकते हो। तो आप भी इसे जरूर बनाएं और आपके अनुभव नीचे के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो पर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही अच्छी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल के हर एक नए वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आने के लिए राइट कॉर्नर के बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।